क्योंकि आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम पर भरोसा रहता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर, तभी आप ये कर पाते हैं। तो ये एक मंजिल नहीं है, ये एक दौर है, एक सफर है, जिसमें हमको कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी को सीखना है और कंटिन्यूअस अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बनाते हुए आगे बढ़ना है। प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आप डिस्काउंट भी प्राप्त करेंगे और 100% कैशबैक भी प्राप्त करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट से हम कोई चीज अगर खरीदना चाहते हैं और वो चीज हमको किसी डिस्काउंट में मिल रही है, तो हम उसको आसानी से तुरंत ग्रैब करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को, उस प्रोडक्ट को। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाए कि वो जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है डिस्काउंट के साथ, वो प्रोडक्ट आपको फ्री होने वाला है, यानी कि आपने जो भी पेमेंट उसके खरीदते वक्त दिया वो पेमेंट आपको वापस मिलने वाला है। तब हम इस अपॉर्चुनिटी को हाथों हाथ ग्रैब करेंगे, इसको खरीद लेंगे। तो ठीक उसी तरह की प्रेजेंटेशन मैं आपके समक्ष देने वाला हूँ। हमारे कोई भी सपने हो, हमारे कोई रसोई का खर्च है, हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं, हम डिजिटल करेंसी को अगर बाय करना चाहते हैं, या हम किसी मकान का किराया देना चाहते हैं, तो उन सब में हम छूट भी प्राप्त करेंगे और 100% कैशबैक भी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, प्रेजेंटेशन क्या है। मैं आपके समक्ष स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और आई होप आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिजिटल इकोसिस्टम मैंने आपको बताया कि डिजिटल युग है, तो हमको एक ऐसे इकोसिस्टम में एंटर करना होगा जहां पर हमको फाइनेंस के बारे में ज्यादा सोच विचार ना करना पड़े। डिस्क्लेमर मैं आपको यहां पर दूंगा, जो भी जानकारी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं आपको बताया जा रहा, किसी भी तरह के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप यहाँ पर ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें। आप तभी निर्णय लें जब आप इसके माहिर हो, पारंगत हो, क्या ट्रेड होता है, क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या एक्सचेंज होता है, क्या डिजिटल करेंसी होती है, किस तरह से उसका लेन देन किया जाता है। जब आप इन सब चीजों की जानकारी रखते हो तभी आप यहां पर निर्णय लें। शुरू करते हैं डिजिटल इकोसिस्टम को, बात करेंगे ब्लॉकचेन की, क्योंकि दोस्तों जब भी हम एक डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं और डिजिटल करेंसी से संबंधित हम किसी विषय में अगर छानबीन कर रहे हैं तो वहां पर ब्लॉकचेन का जान लेना बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन वो इंटरनेट का स्ट्रक्चर है, सिक्योर्ड है, एक डिजिटल लेजर है जहां पर डिजिटल करेंसी की लेन देन को सुगम बनाया जाता है, सुरक्षित रूप से बनाया जाता है। तो 50 से ज्यादा ऐसी ग्लोबल कंपनीज हैं जो इस वक्त अलग अलग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही हैं अपने अलग अलग सेक्टर में। बैंक एंड फाइनेंस की बात करें, चाहे सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, यहां तक कि गवर्नमेंट, ये सभी फुल्ली एंड पार्शली दोनों ही स्वरूप में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही है। और ब्लॉकचेन पूरी तरह से सिक्योर होती है, यहाँ पर जो भी डेटा आपका रखा जाता है वो पूरी तरह से आपके हक में होता है, आप उसको जब चाहें तब उसको आप देख सकते हैं और वो उसको कोई भी स्कैमर, हैकर या इस तरह का कोई भी स्पैम वगैरह वहां पर एंड इनडायरेक्टली ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 1 बिलियन को क्रॉस करेगा। कारण क्या है? हम सब अपडेशन की ओर हैं, हमारा युग रिवोल्यूशन से भरपूर है, तो कहीं ना कहीं हमें चीजें फास्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी हमको फास्ट चाहिए, वो भी सिक्योरिटी के साथ, तो ब्लॉकचेन हमारा वो सपना पूरा करती है। ठीक यहां पर भी जो डिजिटल करेंसी के बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है वह भी एक स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ मार्केट में आती है, जिसकी आप एक गणना अगर करना चाहें तो विद इन 3 सेकंड यहाँ पर 1 ब्लॉक को माइन किया जा सकता है, जिस ब्लॉक के अंदर डेटा जो भी रखा गया है। बात करेंगे इस इकोसिस्टम की, तो यहाँ पर इसके रचयिता का जिक्र होना लाजिमी है। नाम है एलेक्स रायनहार्ट, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप विश्व की 100 टॉप बिजनेस मैगजीन्स को भी देखना चाहें, गूगल करेंगे तो आप इनको देख सकते हैं, द 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, मिस्टर एलेक्स रायनहार्ट जर्मनी के बासिंदे हैं और पिछले 7 वर्षों से ये प्लेटफॉर्म मार्केट में स्थापित है। आज
सात वर्षों से लेकर अब तक की बात करें तो लगभग 2.5 से ज्यादा मिलियन यहाँ पर यूजर हैं, 25 लाख लोगों से ज्यादा लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा पा रहे हैं। 11 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, मार्केट में सक्सेसफुली ऑपरेट हुए। 4 ऑफिस हैं पूरे विश्व के अंदर, और ये जो कंपनी है पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन कंपनी है। यानी कि यहाँ पर जो सपना एलेक्स राइनहार्ट सर ने देखा था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की स्थापना की जिसमें मैक्सिमम यूजर्स जुड़ सके, फायदा ले सके और अपने सपनों को साकार कर सके। बात करेंगे इकोसिस्टम की, तो उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या इन 7 वर्षों के दरमियान उन्होंने मार्केट में दिया। बात करेंगे डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड एक सामान्य, आपके जैसे सामान्य और मेरा और आपका डेबिट कार्ड कार्य करता है उसी तरह से कार्य करता है, लेकिन यह इंटरनेशनली वर्क करता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको INR अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आपकी डिजिटल करेंसी है उसको आप इसके ऊपर आसानी से अपलोड कर सकते हैं और इसका भुगतान आप ले सकते हैं। ऑनलाइन वाउचर, जिसके बारे में मैं अभी डिस्काउंट और 100% कैशबैक के बारे में चर्चा करूंगा। कॉपी ट्रेडिंग, एक ऐसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर एक मास्टर ट्रेडर के द्वारा हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। फ्रीजिंग गेम्स, जहां पर हम क्रिप्टो गेम के माध्यम से भी यहां पर प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं। सॉरी, क्रिप्टो एक्सचेंज, जी हां दोस्तों, ये भी हमारे बीच जल्द ही इंट्रोड्यूस होगा अल्टीमैक्स एक्सचेंज नाम से, जिस पर विश्व की टॉप 2000 डिजिटल करेंसी वहां पर ट्रेड करेंगी अलग अलग पेयर्स के साथ, और आपके डिजिटल टोकन जिसका नाम है अल्टीमा उस टोकन के साथ भी। ट्रेवल क्लब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम 90% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट्स की बुकिंग कर सकते हैं, रेंटल कार्स की बुकिंग कर सकते हैं, और हम इसमें क्या यूज करेंगे, अपना डिजिटल टोकन जिसका नाम है अल्टीमा टोकन। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी स्टार्टअप को अगर हमें प्रमोट करना है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, तो ग्लोबली क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम अल्टीमा के माध्यम से उस सपने को उनके साकार करा सकते हैं। मार्केट प्लेस, एक ऐसा पोर्टल जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को या गुड्स है, कोई सर्विसेज है, उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टीमा टोकन। तो ये पूरा इको सिस्टम था जो एलेक्स राइनहार्ट सर ने पिछले 7 वर्षों के दरमियान अलग अलग समय पर लोगों के बीच में वो लेकर आए, और ये पूरा इकोसिस्टम एक ही टोकन को ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है अल्टीमा टोकन। ये वो डिजिटल करेंसी है जो आपके और मेरे सपनों को साकार कर पा रही है और हमको आपको फाइनेंशियल फ्री होने की दिशा में कारगर मददगार साबित हो रही है। एक बार पुनः आपको याद दिलाते चले, अवर गोल 100 मिलियन मेंबर्स। यहाँ पर हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते कि आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए, आप बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाए, नहीं, ये कम्युनिटी ड्रिवन कंपनी है, तो हम कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तब हम यहाँ से बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः आपके सामने अल्टीमा कैशबैक की प्रेजेंटेशन शुरू हुई है। कैशबैक प्रेजेंट करता है द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग। आने वाला समय पूरी तरह से कैशबैक के साथ ही हम अपनी शॉपिंग कर पाएंगे, हर दिन हम यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और हर दिन हमारा कैशबैक डे बन सकता है। अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो ट्रेवल क्लब हो, एजुकेशन हो, कार प्रोग्राम हो, फैमिली हेल्थ केयर हो, आपका शॉपिंग है, रियल एस्टेट सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर में हम डिस्काउंट भी ले सकते हैं और 100% कैशबैक भी ले सकते हैं। किस तरह से, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक लाइसेंस बाय करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होने के लिए। एक प्रमाण पत्र हमें हासिल करना होता है जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि अब आप एलिजिबल हैं डिस्काउंट लेने के लिए भी और कैशबैक लेने के लिए भी। और जो भी लाइसेंस हमने बाय किया है उसके ऊपर हम कितनी शॉपिंग कर सकते हैं, कितना हम उसके ऊपर वाउचर ले सकते हैं कैशबैक के लिए, उसका 50 गुना हमको यहाँ पर जो भी हमारा लाइसेंस का कैपेसिटी है उसका 50 गुना हमको यहाँ पर शॉपिंग लिमिट मिलती है। शॉपिंग लिमिट के को हम रिडीम करने के लिए हमको सबसे पहले शॉपिंग पॉइंट्स यहाँ पर खरीदने होते हैं। तो शॉपिंग पॉइंट्स को जब हम बाय करते हैं वो हमको 20% मोर प्रॉफिट देते हैं, यानी कि जो 20% का डिस्काउंट है वो यहाँ पर पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है। तो 20% एक्स्ट्रा हम यहाँ पर ले सकते हैं शॉपिंग पॉइंट्स को, और शॉपिंग पॉइंट्स के बिहाफ पर ही हम यहाँ से कोई भी वाउचर चूज कर सकते हैं जिस भी वो सेक्टर का है, और उसको हम रिडीम कर सकते हैं हर महीने
आने वाली 12 किस्तों में, यानी कि आने वाले 12 महीनों में हम उस वाउचर को आसानी से पर मंथ बेस्ड रिडीम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो 100% कैशबैक आपको बोला जा रहा है वह भी हम इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमा टोकन यहाँ पर प्राप्त करते हैं विद इन 36 इंस्टॉलमेंट, 36 किस्तों में वो हमको कैशबैक 100% प्राप्त हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमा टोकन। जो अल्टीमा टोकन हमको कैशबैक में प्राप्त होता है उसको हम अपने डेबिट कार्ड के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक डेबिट कार्ड की यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, तो ये डेबिट कार्ड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण पार्ट है। इस डेबिट कार्ड पर हम वो कैशबैक वाला जो अल्टीमा टोकन है उसको अपलोड कर सकते हैं, और इस डेबिट कार्ड के माध्यम से हम अपने बिल पे कर सकते हैं, इसको चाहे हम कैश आउट भी करा सकते हैं एटीएम से। या फिर जो अल्टीमा टोकन हमको कैशबैक के रूप में प्राप्त हुआ उसको हम होल्ड कर सकते हैं मार्केट में अल्टीमा टोकन के प्राइस ग्रोथ को लेकर। बात करेंगे कैशबैक की, कितना परसेंट हमको कैशबैक यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों जितना भी आपने पेमेंट किया वाउचर को बाय करते वक्त, शॉपिंग पॉइंट्स को बाय करते वक्त, वो आपने अल्टीमा टोकन फॉर्म में कंपनी को दिया, और वही कैशबैक आपको 36 इंस्टॉलमेंट में आपको 100% वापस आता है। लेकिन जब आपने शॉपिंग पॉइंट्स बाय किए उस वक्त अल्टीमा टोकन का जो प्राइस था, और जब आपका कैशबैक हर महीने रिडीम होता है, हर महीने आपको कैशबैक प्राप्त होना शुरू हो जाता है, उस वक्त आपका अल्टीमा टोकन का जो प्राइस है वह ग्रो कर जाता है। तो हमारा जो कैशबैक है वो 100% नहीं रहने वाला है, ये बढ़ जाएगा। ये 100 से 150% भी हो सकता है, ये 200 भी होगा, ये 300 भी हो सकता है, ये 400, 500, यहां तक कि अगर आपके अल्टीमा टोकन का प्राइस $1,00,000 को क्रॉस करता है तो आपका ये प्रॉफिट 1000% यानी कि 1000% भी बन सकता है। अगर टोकन का प्राइस स्टेबल है तब आपको 100% के यहाँ पर कैशबैक मिलने वाला है। अगर आपके टोकन का बाय एनी चांस प्राइस, टोकन का जो प्राइस है वह डाउनफॉल की ओर जाता है, तो हमारा प्रॉफिट 100 से 10% भी हो सकता है। तो काम कैसे करेगा, एक यूजर है जिसने अल्टीमा लाइसेंस को बाय किया, अल्टीमा लाइसेंस को बाय करने के बाद हम अपने वाउचर की कंडीशन को देखते हुए शॉपिंग पॉइंट्स को बाय करते हैं, और शॉपिंग पॉइंट्स को बाय करने के बाद हम अपने उस प्रोडक्ट को ग्रैब कर लेते हैं, चाहे वो अल्टीमा मेंबर्स का डेबिट कार्ड के लिए वाउचर हो, चाहे वो प्लैटिन वर्ल्ड का डायरेक्ट कैशबैक रिवार्ड पैक का वाउचर हो, चाहे वो मेगा मार्शे गैस के लिए फ्यूल के लिए वाउचर हो, चाहे वो बाइनेंस का USDT के लिए वाउचर हो, चाहे वो कॉइंसबिट एक्सचेंज का वाउचर हो, या फिर वो ट्रेवल क्लब का वाउचर हो, या फिर वो कार प्रोग्राम के लिए वाउचर हो, शॉपिंग पॉइंट्स के बाद हम अपना कोई भी वाउचर वहां पर चूज कर सकते हैं अपने शॉपिंग पॉइंट्स के आधार पर। और जब हम इसको पर मंथ रिडीम करते हैं तो हर महीने हमको USDT मिलता है आने वाली 12 किस्तों में, सारा का सारा USDT हमको डिलीवर होता है या फिर यूरो की फॉर्म में। तो जब हमको फर्स्ट मंथ से कैशबैक मिलता है जो कि हमको 36 किस्तों में मिलेगा, हर महीने एक किस्त हमको आएगी, तो 36 किस्तों में जो हमको कैशबैक मिलता है उस कैशबैक को हम अपने डेबिट कार्ड पर भी फ्रीज कर सकते हैं, या फिर हम उसको डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर भी सेल आउट कर सकते हैं। बात करते हैं कैलकुलेशन की, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। 110 यूरो का हमने यहाँ पर शॉपिंग पॉइंट्स बाय किया, तो आपको पता है 20% एक्स्ट्रा आपको शॉपिंग पॉइंट्स मिलते हैं, और इस शॉपिंग पॉइंट को बाय करते वक्त आपने पे किया 0.11 अल्टीमा, ये आपने पे किया 0.11 अल्टीमा। 1320 शॉपिंग पॉइंट्स आपको मिल गए, इस शॉपिंग पॉइंट्स के आधार पर हमने कोई भी वाउचर चूज किया जिसकी भी हमको नीड है। सपोज कीजिए यहां पर दिया गया है डेबिट कार्ड का अल्टीमा मेंबर्स वाउचर, तो जो अल्टीमा मेंबर्स का जो वाउचर है ये हमको शॉपिंग पॉइंट्स के बिहाव पे मिल जाता है। 1320 शॉपिंग पॉइंट यानी कि 1320 यूरो का हमको ये वाउचर हमने यहाँ पर बाय किया। आप देखेंगे ये जो वाउचर है इसमें से जो यूरो हमको पर मंथ आएंगे आने वाली 12 किस्तों में, उस यूरो को ले जाकर हम डेबिट कार्ड के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। कितना हमको आएगा पर मंथ, 110 यूरो, नेक्स्ट मंथ भी 110, ऐसे करते करते 12 किस्तों में हमको सारा का सारा यूरो में जो वैल्यू हमने
शॉपिंग पॉइंट्स की खरीदी थी वो पूरा हमको डिलीवर हो जाता है, साथ ही साथ हमको कैश होता है। तो फर्स्ट मंथ का जो कैशबैक है जब आपने परचेज किया, ये विद इन 2 to 3 सेकंड ये आपको रिडीम हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जो कैशबैक हमको आता है वो अल्टीमा टोकन की फॉर्म में आता है। तो पहले महीने आप देखेंगे 1320 शॉपिंग पॉइंट्स आपने बाय किए थे, 0.11 अल्टीमा आपने उस वक्त कंपनी को पे किया था, 0.11 अल्टीमा का 2.778% पर मंथ। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 36 से 2.778 को, तो आप देखेंगे कि 100% आपका यहां पर कैशबैक होता है। तो फर्स्ट मंथ में भी 0.003 अल्टीमा कैशबैक के रूप में प्राप्त हुआ, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में, और इस तरह से करते कर... हो जाता है। दिस इज द 100% कैशबैक। नेक्स्ट बात करते हैं शॉपिंग पॉइंट्स। हमने 1320 का लिया 110 यूरो के लिए, हमने बाय किया बाइनेंस के लिए वाउचर, 1320 यूएसडीटी का हमने वाउचर चूज किया, हमको 110 यूएसडीटी अगली 12 किस्तों में हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो टोटल 1320 यूएसडीटी हमको प्राप्त हुए। लेकिन हम बात करेंगे अब तो कैशबैक के फॉर्म में भी हमको 0.003 अल्टीमा पर मंथ यहाँ पर रिसीव होता है अगले आने वाली 36 किस्तों तक। हमको ये सारा का सारा 0.11 अल्टीमा हमको प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे नेक्स्ट वाउचर चूज किया गया यहाँ पर PLCU ट्रेवल क्लब का। इसी तरह से आप अलग अलग वाउचर को बाय कर सकते हैं, कैलकुलेशन सेम रहेंगी आपकी। जब आप वाउचर बाय करेंगे तो जो भी आप अल्टीमा टोकन पे करते हैं वही अल्टीमा टोकन आपको 36 इंस्टॉलमेंट में पर मंथ बेसिस पे आपको 100% कैशबैक प्राप्त हो जाता है। तो कैशबैक हमारा प्राइस के ग्रो करने पर 100 से 1000% भी हो सकता है, और प्राइस अगर स्टेबल है तो हमारा 100% कैशबैक हो सकता है, और अगर हमारा टोकन का जो प्राइस है वह डिवेल्यूएट होता है, डाउनफॉल की ओर जाता है, तो हमारा 100% से 10% हमारा कैशबैक भी हो सकता है। एक बार पुनः आपको याद दिला दें, हर दिन हम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और हर दिन हमारा कैशबैक डे बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कैशबैक के लाइसेंस की, क्या उसकी कॉस्ट है। तो लाइट पैकेज 110 यूरो का, ड्यूरेशन 12 महीने तक ये वर्क करेगा। शॉपिंग लिमिट्स मैंने बताया था इसका 50 गुना, तो 110 यूरो का 50 गुना बनेगा 5500 यूरो तक हम शॉपिंग लिमिट ले सकते हैं। कैशबैक लिमिट हमारी सेम रहने वाली है 5500 यूरो। ठीक उसी तरह से स्टार्टर पैकेज है, बेसिक है, प्रो है, डायमंड है। तो कैशबैक लाइसेंस का ये वैल्यूएशन रहने वाला है। शॉपिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो 20% मोर हमको यहाँ पर शॉपिंग पॉइंट्स रिडीम होते हैं। आपको पता है 10 यूरो का 20% 12 शॉपिंग पॉइंट्स हमको प्राप्त होंगे, 20 यूरो पर 24 शॉपिंग पॉइंट हम ले सकते हैं, 50 यूरो के लिए हम 60 शॉपिंग पॉइंट्स ले सकते हैं, 100 यूरो पर हम 120 शॉपिंग पॉइंट्स यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो भी जिस भी अमाउंट का आप शॉपिंग पॉइंट्स देख रहे हैं उसका 20% आपको एक्स्ट्रा ही यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। आप देखेंगे वाउचर को हमने बाय किया, 20% हमको मोर मिलता है, यानी कि 20% डिस्काउंट हमें हुआ, और 100% कैशबैक में जो अल्टीमा टोकन हमको प्राप्त होता है उसको ले जाके हम डेबिट कार्ड के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, या फिर अन्य डिजिटल करेंसी भी हम इस डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान ले सकते हैं, यूरो, डॉलर, बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी एंड मेनी मोर। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेवल क्लब आएगा। ट्रेवल क्लब के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम 90% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट वाउचर, एक्सचेंज, मार्केट प्लेस, ऑक्शन प्लेटफॉर्म, ये भी हमारे बीच जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है, ड्रॉ एंड गेम्स और पेमेंट, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आप देखेंगे आपका जो अल्टीमा टोकन है वह ग्रो करेगा और मार्केट में एक एग्जाम्पल एस्टेब्लिश होने वाला है आने वाले समय में। हमारा गोल 100 मिलियन मेंबर्स, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म,
तो यहां पर हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर आए। कम्युनिटी एक्सपेंशन पर हम सब अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हम बाय कर सकते हैं। अल्टीमा लाइसेंस बाय करना है, उसके बाद शॉपिंग पॉइंट्स हम चूज कर सकते हैं, उसको बाय करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्टीमा टोकन, और हमको कैशबैक भी मिलेगा और हमारा वाउचर भी हमको पर मंथ बेसिस पे आने वाले 12 किस्तों में रिडीम हो जाएगा। तो हमारे चेहरे पर खुशी आएगी और इस खुशी को हम बांटते चले जाएंगे लोगों के बीच। इस तरह से लोगों को हम फाइनेंशियल फ्री बना सकते हैं, उनको एक जरिया दे सकते हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए। कैशबैक लाइसेंस मैंने आप डिस्कशन में बताया किस तरह से हम कैशबैक लाइसेंस के आधार पर शॉपिंग पॉइंट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी एक्सपेंशन की। तो जब हम इसको एफिलिएट करते हैं किसी भी व्यक्ति को, एफिलिएट मार्केटिंग के तहत हम इसको एफिलिएट करते हैं, तो हमको बोनस प्राप्त होता है। कितना बोनस होता है? फर्स्ट लेवल पर 20%, सेकंड पर 7, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पर 3%, सिक्स से लेकर 15th लेवल तक 1%। यानी कि जब हमने कैशबैक लाइसेंस को प्रमोट किया, तब हमको एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल के तहत हमको यहाँ पर बोनस मिलता है, जिसको डायनेमिक कंप्रेशन भी बोलते हैं। साथ ही साथ जब हम लाइसेंस को प्रमोट करते हैं और एक अच्छी टीम का निर्माण हम करते हैं, तो टीम के माध्यम से जब हम एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो खास टर्नओवर पर हम एक खास रैंक को भी अचीव करते हैं। आपको पता है पहला बोनस आपने डायनेमिक कंप्रेशन के मुताबिक लिया, लेवल बोनस। सेकंड बोनस आप रैंक बोनस ले सकते हैं। 5000 यूरो का बिजनेस हमने किया अपनी टीम के माध्यम से, तो 2% यानी कि 100 यूरो हमको जेड रैंक पर बोनस के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 5000 यूरो का और बिजनेस किया तो उसका भी 2% आप देखेंगे, 100 यूरो हमको पर्ल रैंक बोनस प्राप्त होता है। नेक्स्ट 15000 यूरो का नया टर्नओवर हमने किया तो टोटल हुआ 25000 यूरो, तो 15000 नया था तो उसका 2%, 300 यूरो हमको सफायर रैंक पर अचीव होते हैं। तो जैसे जैसे हम रैंक क्वालिफाई करते करते जाते हैं, वैसे वैसे हमको उसका रैंक बोनस भी रिडीम होता जाता है। रूबी पर 500 यूरो तक हम रैंक बोनस ले सकते हैं, एमराल्ड पर 1000 यूरो, डायमंड पर 3000, ब्लू पर 5000, और इस तरह से आंकड़ा बढ़ता बढ़ता एक लास्ट रैंक है बिलियन डायमंड, जहां पर आप देखेंगे पूरा 1 करोड़ यूरो का हम रैंक बोनस लेते हैं। तो अगर केवल और केवल रैंक बोनस को ही काउंट किया जाए, जेड रैंक से लेकर बिलियन डायमंड तक, तो हम पूरा का पूरा 2 करोड़ यूरो तक रैंक बोनस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया में यूनिक है। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना बड़ा पे आउट देता हो। पूरी की पूरी 15 रैंक को अगर आप काउंट करेंगे तो 2 करोड़ यूरो तक का हम रैंक बोनस यहाँ पर ले सकते हैं। शर्त यही है, आपको अपनी टीम के माध्यम से एफिलिएट करना है, मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच को बढ़ाना है और मिनिमम 3 लाइंस में बिजनेस करना है। फर्स्ट लाइन में 50% आपका टर्नओवर मिनिमम काउंट होना चाहिए, सेकंड में 30% और बाकी जितनी भी आपकी लेग्स हैं वहां से हम 20% काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस मॉड्यूल पर काम करते हैं तो रैंक बोनस भी हम यहाँ से ले सकते हैं। एक और इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं जब हम इसको प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जिसका नाम है डायमंड इन्फिनिटी बोनस। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, ये हमको बोनस मिलेगा जब हम एक रैंक क्वालिफाई करेंगे जिसका नाम है डायमंड। आपको मालूम है डायमंड रैंक जब हमने क्वालिफाई की तो रैंक बोनस में हमने 3000 यूरो का रैंक बोनस भी लिया था। साथ ही साथ एक इन्फिनिटी बोनस हमको मिलता है 15%। नेक्स्ट डायमंड रैंक जैसे हम क्वालिफाई करते हैं तो 1% यहाँ पर ऐड होता जाता है, तो 16% हम ब्लू डायमंड पर ले सकते हैं, 17% ग्रीन डायमंड पर, पर्पल, रेड, ब्लैक, प्लैटिन, डबल प्लैटिन और ट्रिपल प्लैटिन डायमंड पर आप पहुंचते हैं तो 23% तक आप डायमंड इन्फिनिटी ले सकते हैं। अब आप डायमंड है और आपने फर्स्ट लेवल पर किसी व्यक्ति को रिकमेंड किया, डायनेमिक कंप्रेशन में लेवल बोनस आपको 20% आता है। साथ ही साथ आप डायमंड है तो आपको ये इन्फिनिटी भी आएगा 15%। तो 15 और 20, 35% तक हम यहाँ से बोनस ले सकते हैं जब हम एक डायमंड रैंक पर अचीव होते हैं। ऐसे ही ब्लू डायमंड पर पहुंचते हैं तो 16%, 1% और बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 15 लेवल तक का जो बैरियर था, जहां से आपको 15वें लेवल से 1% आपको लेवल बोनस आता था, लेकिन आप डायमंड बन गए हैं तो आपको अब इन्फिनिटी बोनस आता है। तो यानी कि आपके डाउन लाइन में जो भी
व्यक्ति कनेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, 16वें, 17वें, 18वें, या फिर वो 100वें, 200वें, 300, 1000, किसी भी डेप्थ पर वो व्यक्ति हो, वहां से अगर लाइसेंस बाय होता है तो आपको इन्फिनिटी डायरेक्ट आता है, जिसका नाम है डायमंड इन्फिनिटी। पूरा का पूरा 15% आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कितनी बड़ी इनकम आप यहाँ से ले पाएंगे जब आप डायमंड रैंक अचीव करते हैं। साथ ही साथ एक और रैंक बोनस यहाँ पर आपको प्राप्त होता है, जो कि शॉपिंग पॉइंट्स के रूप में है। जब व्यक्ति वाउचर चूज करेगा तो जिस भी अमाउंट का वह शॉपिंग पॉइंट्स बाय करता है, वाउचर बाय करता है, उसका फर्स्ट लेवल पर 5% हम डायरेक्ट बोनस ले सकेंगे, दूसरे लेवल पर 3% है, तीसरे पर भी 3 है, चौथे और पांचवे पर 2-2% तक हम यहाँ से टोटल 15% तक का फ्रेंडशिप बोनस यहाँ से ले सकते हैं। आपको समझ आया कि लाइसेंस पर 20% है, 7-3 ऐसे करते 15 लेवल तक, लेकिन लाइसेंस के बाद जैसे व्यक्ति शॉपिंग पॉइंट्स बाय करेगा तो वहां से भी हमको टोटल 15% हम यहाँ से बोनस काउंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और बोनस है, यानी कि ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन है, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो कम्युनिटी के एक्सपेंशन पर किया गया है। जो भी व्यक्ति कम्युनिटी एक्सपेंशन में काम करना चाह रहा है वो यहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो बात करते हैं लीडरशिप बोनस की, जो कि सेकेंड लेवल से शुरू होगा और फिफ्थ लेवल तक ये फिनिश होगा। तो सेकेंड लेवल पर 3% हम यहाँ से लीडर बोनस ले सकेंगे, थर्ड पर भी 3 है, फोर्थ और फिफ्थ पर 2-2% हम यहाँ से लीडरशिप बोनस ले सकते हैं। तो ये आप इसको ऐड करेंगे तो 10% यहाँ पर लीडरशिप बोनस रखा गया है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको उस प्रेस्टिजियस रैंक को हासिल करना है जिसका नाम है डायमंड। ये आपका पहले ही दिन से जैसे आपने एफिलिएशन शुरू किया ये पूल के अंदर कलेक्ट होने लगता है, वहां पर आप इसको देख भी सकते हैं और आप इसका पे आउट ले सकेंगे जब आप डायमंड रैंक को अचीव करेंगे। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट डायमंड रैंक्स को अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे आप इस लीडर बोनस को भी एक्युमुलेट कर पाओगे। एक बार पुनः हमारा गोल 100 मिलियन मेंबर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम जब क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी मार्केटिंग की जरूरत है जो पूरी तरह से ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो, जिसको डिजिटल मार्केटिंग भी बोला गया है। तो जब हम किसी सामने वाले को डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से रिकमेंड करते हैं तो हम किसी एक मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में तब्दील कर सकते हैं, ये पूरी तरह से संभव है। हम और आप जानते हैं पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति तक रोजगार पहुंचा पाना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। केवल और केवल यही एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम अगर मार्केटिंग मॉड्यूल के तहत काम करते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के तहत, तो यहाँ पर सभी लोगों तक फायदा पहुंचाया जा सकता है और सभी को फाइनेंशियल फ्री बनाया जा सकता है, उनके सपनों को साकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 2.25 वर्षों से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और जितनी बड़ी ग्रोथ मैंने यहाँ पर पाई है, लोगों को अर्निंग करते हुए देखा है, वह पूरे विश्व में अन्यत्र किसी भी स्थान पर देखने को नहीं मिलता है। तो आगे की कार्यवाही के लिए हमारे जो सीनियर अपलाइन है यहाँ पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर रामनिवास बाजिया जी, आपको मेरा प्रणाम भी है, आप रेड डायमंड पर हैं, रैंक पर हैं और आपने एक मुकाम हासिल किया है इस प्लैटिनम वर्ल्ड परिवार के अंदर, तो आगे की कार्यवाही सर आप संभाले। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत भाई मुझे इनवाइट करने के लिए, और उससे भी ज्यादा आपने हमें एजुकेट किया इस सिस्टम के ऊपर। डेली आप आते हैं बड़ी शिद्दत के साथ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, आराम से, जो हर किसी को एक एक शब्द समझ में आ जाए। सिर्फ एक ही चीज है जिसका ध्यान इस सिस्टम के ऊपर नहीं है या इसके ऊपर नहीं है, जो प्लान आप प्रेजेंट करते हो उसको शायद समझ में नहीं आएगा। और बहुत सी चीजें एक ऐसी भी रहती है कि एक दिन के अंदर कोई भी चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, कैशबैक, वाउचर, माइनस, या उसी के साथ साथ में हम बोल सकते हैं यूरो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें एक दिन में कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर विक्रांत भाई ब्लैक डायमंड रैंक में है, बहुत बड़ी शिद्दत के साथ में पिछले काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उतनी शिद्दत के साथ में हमें सिखाते भी। तो दोस्तों अभी बताया आपके सामने विक्रांत भाई ने कि ये प्लेटिन वर्ल्ड, और सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी हैंड रेस ना करें,
क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में आया करें, यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो आयरी नहीं होती, मॉर्निंग के सेशन में आया करें जहाँ पर यस सर, रवि सर, सारे ग्रेट लीडर हमारे सामने बैठे रहते हैं, वो आपके अगर कोई भी क्वेश्चन का है, और सबसे पहले आप अपनी अपलाइन से पूछें, जितने भी लोग हैं अपनी अपलाइन से पहले पूछे, वो नहीं करते तो आप मैसेज के द्वारा किसी बड़े लीडर को आप बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या मॉर्निंग में आप हैंडरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैंडरेज नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड पर्सन जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं शिद्दत के साथ में सिक्के में, उन्हीं लोगों को इन्वाइट किया जाता है जिनको हम ये बोल सकते हैं कि वेरीफाइड लीडर, जो पिछले काफी टाइम से एक साथ इस सिस्टम पे लगे हुए। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हमें क्या दे रही है, यहाँ कैशबैक वाउचर दे रही है, ये ना भविष्य की हमें शॉपिंग के बारे में बताया, जो हम भविष्य की नहीं बोल के, क्योंकि ये तो एक साल पहले से चल रहा है, बाहर इंडिया के अंदर ये भविष्य की बोल सकते हैं, और इंडिया के अंदर भी अभी 15 तारीख से ये शुरू हो गया था, लगभग 15-16 दिन हो गया इसको, और पिछले 7 साल से ये सिस्टम चल रहा है जिसका इकोसिस्टम एलेक्सर ने तैयार किया। तो मैं यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर बड़े लीडर या बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करी है, उसी के साथ साथ में कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर किस तरीके से लोगों को बता के काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से रूबरू करवाना चाहूंगा कुछ लोग लीडर्स को। तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पर आज अजीम भाई मार्केट में थे, बड़े शिद्दत से काम कर रहे थे, मैं अजीम राणा जी को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहता हूँ, और अजीम जी आपको मैंने कोस्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पर अनम्यूट कर हो सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करो और हमें बताइए कि कैसा फील्ड में रिस्पॉन्स मिल रहा है, और क्या लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे इस सिस्टम को। अजीम भाई अजीम राणा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको, आप होस्ट है। देखो मेरी आवाज, रामनिवास सर क्या मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी ब्रेक हो रही है, बाकी आ रही है। ओके, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, अब आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है सर। एक मिनट सर, मैं एक मिनट का समय लूंगा, एक थोड़ा एक सर, अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है सर। दोस्तों हम घर लेंगे, आपकी आवाज आप ब्रेक हो रही है, तो मैं आगे नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ आपको, अगर हैंड रेस करना मुझे, अगर आप नेटवर्क में आ जाओगे तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा हिमांशु जी को। तो हिमांशु जी, यहाँ पर आपने बड़ी शिद्दत के साथ में आज बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, आपने ज्वाइनिंग भी काफी करी, काफी मीटिंगें भी करी, तो हिमांशु भाई आपका वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू आपने मुझे, हिमांशु मुजफ्फरनगर यूपी से बिल करता हूँ सर। एक्चुअली अरे के सारे लीडर फील्ड में आज, और आपकी भी ब्रेक हो रही है, तशोरी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ जंगल का एरिया है ना थोड़ा, तो इसीलिए नेटवर्क का इशू रहेगा, तो आप आकाश राव जी को, आकाश राव जी यंगेस्ट प्लेटिन डायमंड है इंडिया के, मात्र 26 इयर्स की एज में 4.5 साल में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो सोचने में भी सपने में भी हम नहीं सोच सकते, लेकिन उन्होंने किया, और उन्होंने किया कि 26 साल में किया, तो हमारा भी हौसला बढ़ा है, और हम भी 2 कदम पीछे गए, हम भी कहीं ना कहीं प्लेटिन डायमंड बनेंगे, डबल प्लेटिन ट्रिपल प्लेटिन डायमंड बनेंगे। तो वेलकम है आकाश सर, आप हमें पिछले 2-3 साल से लगातार एजुकेट भी कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में बड़े तरीके से जान रहे हो, वेलकम आकाश सर जी, प्लेटिन डायमंड। सर नमस्कार, मेरी वॉइस ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है सर, बाकी सारे श्योर श्योर कोई प्रॉब्लम, मेरी वॉइस में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को आप इन्फॉर्म कर देना। और साथियों सभी को नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया, और साथ ही साथ माफी चाहेंगे आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आज भी जूम लगभग 5 मिनट लेट स्टार्ट हो पाया, खैर कोई बात नहीं, ये टेक्निकल पार्ट है और हम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और ये उसके अपग्रेड के लिए हमेशा जरूरी होता है, जब उसमें कुछ अपडेट होता है अपग्रेड होता है तो थोड़ा बहुत टाइम वो ले ही लेता है, उसी तरह से सेम हमारा सिस्टम भी है। अभी पिछले लगभग 3 दिन से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे डैशबोर्ड से विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, बस वो सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
साथियों कंपनी का तुरंत ही एक मैसेज आ गया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि अभी कंपनी उसमें कुछ अपडेट कर रही है क्योंकि हमारा स्मार्ट वॉलेट को कंपनी कनेक्ट कर रही है, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम इसमें लग सकता है। तो वहां से विड्रॉल अभी हमारे पेंडिंग्स है। अभी हम जितने भी काम हमें करने हैं, जो हमारे डैशबोर्ड पर अल्टीमा कॉइन बन के आ रहा है वो कोई बात नहीं, वो बाद में इकट्ठा मिल जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने रिक्वेस्ट लगा दी होगी, बीच में उनके पास पहले से एड्रेस होगा, उनको भी वो कॉइन वापस मिल जाएगा। अभी भी हम सारे काम यूएसडीटी के साथ कर सकते हैं। साथियों कैशबैक जो प्रोग्राम है ये हमारे लिए इतना बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है और कर भी रहा है मार्केट के अंदर। अभी विक्रांत भाई ने कितने बेहतरीन तरीके से सरल शब्दों में हम सबको समझाया कि कैशबैक हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, और वो उसी तरह से सेम है। अगर मान के चलो जिस तरह से मेरा हर महीने का खर्चा 10,000 रुपये का पेट्रोल का है, फ्यूल का है, और मैं क्या करता हूँ, मैं अगर एक साल के लिए मैं कोशिश करता हूँ मैं इकट्ठे 1,00,000 रुपये करके, या मैं यहाँ से अर्निंग करके मैं 1,00,000 रुपये का इकट्ठा एक कैशबैक वाउचर बाई करता हूँ, तो कंपनी मुझे 20% एडिशनल बेनिफिट देगी। वो एकदम नहीं देगी, वो अगले एक साल के अंदर पूरा देगी। यानी कि मुझे हर महीने 10,000 रुपये का कैशबैक वाउचर मुझे मिल जाएगा, चाहे वो बाइनेंस एक्सचेंज कर ले सकते हो आप, कॉइंसबिट कर ले सकते हो, या डायरेक्टली जो भी अभी कंपनी का हमारा अल्टीमा कार्ड लॉन्च ऑलरेडी है, आप अल्टीमा कार्ड का भी ले सकते हो। तो सीधा आपने कार्ड पे ट्रांसफर किया और कार्ड से आप फ्यूल ले सकते हो, कुछ भी आप बाई कर सकते हो, और ये अगले एक साल तक। उसी के साथ साथ जो आपने 1,00,000 रुपये का उस टाइम पे शुरुआत में मैंने कंपनी का कॉइन दिया था, जो कंपनी जैसा बोलते कि हमें अल्टीमा कॉइन से आप पेमेंट करें, वो कॉइन भी मुझे 3 साल के अंदर वापस मिलने वाला है। यानी कि वो 100% कैशबैक विद 20% डिस्काउंट। इसको थोड़ा सा ये समझने में हल्का फुल्का एक शब्दों का फेर हो सकता है, लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली देखा जाए तो आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिलेगा जो आपके 1 साल के कैशबैक वाउचर्स के अंदर जुड़ने वाला है, और आपको 100% कैशबैक पूरा मिलने वाला है अगले 3 साल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे रेफरल के रूप में इतनी बेहतरीन इनकम हम सबको मिल सकती है, जिस इनकम के दम पर अगर आज रामनिवास जी ने मेरे बारे में थोड़ा सा बताया है, उन्होंने मेरी थोड़ी तारीफ करी है, तो उसका कारण रेफरल बोनस ही है। क्योंकि एक बार पैकेज लेने के बाद जैसे ही पैकेज की लाइफ खत्म हो जाएगी तो मेरे को मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेफरल पे काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे लाइफ टाइम काम कर सकता हूँ, 2 साल 5 साल 10 साल काम कर सकता हूँ, जब तक कंपनी प्रोडक्ट हमारे बीच में नई नई लेके आती रहेगी। सेम उसी तरह से जैसे आज हमारे पास अल्टीमा टोकन के बाद में हमारे पास कैशबैक आ गया, तो सेम वही चीज आपको भी करनी है। आप मैक्सिमम रेफरल पे काम करें, क्योंकि रेफरल बोनस से आप यहाँ पे डेली जो हम 10,000 रुपये महीने का कैशबैक वाउचर की सोच रहे हैं, हम 10,000 रुपये डेली भी कमा सकते हैं। उसके लिए आपको केवल 5 लोगों को मिनिमम, आप डेली अगर 5 लोगों को रेफरल करते हैं 110 यूरो के लाइसेंस के साथ ओनली, 110 यूरो का लाइसेंस हम सब समझते हैं कि उस लाइसेंस के ऊपर हमारे पास 5.5 यूरो की लिमिट आती है। जब 110 यूरो का हम लाइसेंस खरीदते हैं तो उससे इंस्टेंट 20% का हमें डायरेक्ट बोनस आता है, जिसको हम इंस्टेंट अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम 5 लोगों में से उनको कैशबैक लाइसेंस दिलवाते हैं, तो वो अगर एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 रुपये का वाउचर भी खरीदते हैं उसके ऊपर, तो उनको उनका भी 5-4% आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी इनकम बैठती है। ये अभी सोचने में थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसे होगा, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे, आप पहले एक को पर डायरेक्ट में करेंगे आपको 20% बोनस आ गया, आप दूसरे करोगे आपको 20 और आ गया, आप तीसरे करोगे 20 आपको और आ गया, और जैसे ही ये लोग उसको वापस से अपग्रेड करेंगे कैशबैक वाउचर के साथ, तो ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो असली इनकम जो है वो रेफरल की है। रेफरल करते जाइए और टीम को सिखाते हैं कि रेफरल करने से कैसे बेनिफिट होते हैं। तो रामनिवास जी टाइम काफी हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। प्लीज ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश राव जी, आपने हमें एजुकेट किया। और ये आकाश राव जी है बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से 4-4.5 साल से इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि पैसिव और एक्टिव का फर्क बताया। पैसिव में हम लिमिटेड कमाएंगे, लेकिन पैसिव के साथ में हम एक्टिव मोड, अगर हम जो हमारे को आ रहा है वही चीज अगर हम बताते किसी को तो हमें बहुत बड़ी अर्निंग मिल सकती है। तो ये चीज है सिर्फ सीखने और सिखाने की, क्योंकि हम अगर पैसे पे फोकस करेंगे तो हमें लिमिट में आएगा, लेकिन अगर हम सीखने के ऊपर फोकस करेंगे तो इतना आएगा कि संभाला भी नहीं जाएगा। और हमारे माइंड में कुछ इंडियन मेंटेलिटी है, क्योंकि हम मध्यम वर्ग वाले हैं, हमारी सोच है वो बिल्कुल गरीबों वाली है, और दिखना हम अमीर चाहते, ये हमारे बीच में कंफ्यूजन चलता है माइंड के अंदर। तो आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, बाजार में क्या बढ़िया सिस्टम आया हुआ उसके बारे में जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बिना सुने बिना जाने आपके सपने में कोई नहीं आने वाला कि हाँ ये सिस्टम बहुत अच्छा है। तो यहाँ से मैं अब टाइम ज्यादा हो चुका है, लेकिन सर मैं 2 मिनट, अजीम भाई ने अभी हैंड रेस्ट किया है, तो मैं मात्र 2 मिनट का मौका दूंगा अजीम भाई,
क्योंकि टाइम हो चुका हमारे ग्रेट गुरु इंडिया की आवाज को सुनना है हमें। तो अजय भाई वेलकम है आपका, नेटवर्क काफी वीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके गुरु ललित कुमार त्यागी जी को, इंडिया के डबल प्लेटिन डायमंड, और बड़ी शिद्दत के साथ में बिल्कुल सरल शब्दों में हमें सिखाते हैं। और एक वर्ड उनका बहुत जबरदस्त होता है, ना लालच खरीदना है ना बेचना है, क्योंकि एजुकेशन ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इतने सरल शब्दों में समझाते हैं, और मेरे जैसे जो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई अगर बहुत बड़ी कोई रैंक हमारे इसमें नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कि इस रैंक तक हमें पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़ी और एक एक शब्द हमें सिखाया इस सिस्टम के बारे में, लेकिन हमारी भी चाह थी सीखने की। तो वेलकम है ललित जी आपका, और आइए और इसके बाद में हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम निवास जी। थैंक यू सर, और सभी कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद है। डेली आप समय दे रहे हैं और बड़ा अच्छा आप कनेक्शन बनाते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है, जब आप बोलते हो तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ बोलते हो, तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी का, जिन्होंने आज हमारे सामने पूरी पीपीटी को शेयर किया, और जितने भी तमाम यहाँ न्यू हमारे गेस्ट हैं, उम्मीद करता हूँ सबको समझ भी आया होगा कि कैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म काम करता है, कैसे हम इसके साथ कनेक्ट होंगे और किस तरीके से हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं, कैसे हम अपने नियर डियर को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो साथियों, ये पूरी पीपीटी आपने सुनी, अगर आप पहली बार इसको सुन रहे हैं तो मुझे समझता हूँ, क्योंकि पहली बार में मुझे भी पूरा का पूरा प्लान समझ नहीं आया था। मुझे भी ये लगा था कि शायद ये बहुत टिपिकल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इसको सीखने में मुझे बहुत बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। लेकिन साथियों यकीन मानना, जब डेली इन चीज़ों को करना शुरू किया, इनको सीखना शुरू किया, तो सब कुछ हमारे लिए इजी होता चला गया। जैसे कि आपने जब पहले दिन ये मोबाइल खरीदा था एंड्रॉयड फोन, तो बड़ा टिपिकल लगा था, हमें लगा था कि कैसे इसको हम चलाएंगे, इसके अंदर तो हजारों फंक्शंस हैं। हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मोबाइल चलाने के लिए पहले ट्रेनिंग ली हो कहीं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुकान पे गए, मोबाइल खरीद लिया और खरीदने के बाद उसको चलाना सीखा। और ये इतनी बड़ी दुनिया है कि डेली हम कुछ ना कुछ मोबाइल के अंदर नया कुछ खोज कर आते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, किसी भी व्यक्ति को अपने मन में ये लाने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर तो यार ये क्या क्या बता रहे हैं, ये यहाँ पे ये अल्टीमा टोकन है, ये यहाँ पे कैशबैक है, उसमें फिर ये 20% डिस्काउंट है। तो साथियों, एक बार, दो बार, तीन बार जैसे ही आपके सामने चीजें रिपीट होंगी, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ कॉल किया है, तो मीटिंग के बाद आप उसी के साथ दोबारा बैठें, चीजों को दोबारा समझें, ताकि आपको समझ आए। कई बार हम एक गलती कर देते हैं, प्लान मैंने सुना रामनिवास जी से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद मैं घर गया, घर जाके मैंने घर वालों को बताया या अपने दोस्तों को बताया जो इस सिस्टम को नहीं जानते, और वो मुझे क्या राय देंगे, वो तुरंत बोलेंगे भाई बिल्कुल चक्कर में मत पड़ जाना, मेरे फलाने रिश्तेदार के रिश्तेदार ने किया था और उसका बेटा गर्क हो गया था। तो साथियों, ऐसा प्लीज नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया है, वही आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब सपोज आपको इंजीनियर बनना है और आप सलाह ले लो उन लोगों जाके एक हलवाई के साथ कि यार मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं कैसे बनूंगा, तो क्या हलवाई आपको सही सलाह देगा? बिल्कुल नहीं दे सकता। आपको इंजीनियर अगर बनना है तो किसी इंजीनियर की ही सलाह लोगे, आपको डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर की ही सलाह लोगे, क्योंकि उस डॉक्टर को पता है वो कैसे डॉक्टर बना। तो ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको कामयाब होना है, तो इस प्लेटफॉर्म के कामयाब लोगों की सलाह आपको लेनी पड़ेगी। तो साथियों, यही मैं, क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई तो मुझे भी कई लोगों ने बोला, अरे भाई मोबाइल के ऊपर है सब कुछ, जिस दिन वेबसाइट बंद हो जाएगी तो क्या कर लोगे, किसी का क्या करोगे? साथियों, अमेजोन कहाँ है? अमेजोन की कहीं दुकान देखी आपने? कहीं शोरूम देखा रामनिवास जी आपने अमेजोन का? आपने गूगल का कहीं शोरूम देखा? फेसबुक का शोरूम देखा आपने? कहीं ट्विटर का शोरूम देखा आपने? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इनके कहीं दुकान देखी आपने? ये सारा सिस्टम कहाँ है? ये केवल मोबाइल के ऊपर है। और जिनके मैंने नाम लिए है ना, ये विश्व की टॉप 10 कंपनीज हैं।
आज दुनिया में साथियों वही लोग पैसा बना रहे हैं जिन लोगों का कारोबार मोबाइल के ऊपर है। और इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल आंकड़े के साथ बात करता हूं। अभी सपोज रामनिवास जी और मैं मिलकर कोई फैक्ट्री लगाएं और उसके अंदर एक प्रोडक्शन करें हम, तो साथी जब हम वो प्रोडक्शन करेंगे तो उसको बेचने के लिए हम कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में भी किस में जाएंगे? जो बड़ी मार्केट में जाएंगे। तो साथियों बड़ी मार्केट के अंदर जब हम लोग जाएंगे, जितनी बड़ी मार्केट होगी उतने ही आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर ज्यादा होंगे। समझते हो ना इस चीज? तो ऐसे ही अब जब लोगों को समझ आया कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आज हमें ज्यादा लोग कहाँ मिलेंगे। अभी अमेजोन का मकसद क्या था? अमेजोन का मकसद था ज्यादा से ज्यादा कस्टमरों को देखना, ताकि वो उनको प्रोडक्ट दिलवा सके किसी भी कंपनी का। तो अमेजोन ने देखा कि ज्यादा लोग कहाँ मिलेंगे, ज्यादा लोग या तो बाजारों में मिलेंगे, लेकिन उनको तो पूरे विश्व को कवर करना था। उन्होंने देखा कि यार पूरे विश्व के ज्यादा लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने देखा पूरे विश्व के ज्यादातर लोग मोबाइल के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है। तो इसलिए उन्होंने अपने कारोबार को कहाँ शुरू किया? इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर उन्होंने डाला कि आपको कुछ भी सामान खरीदना है हम आपको कम रेट पे दिलवाएंगे, आपकी मनपसंद ब्रांड का दिलवाएंगे और आपके घर पे दिलवाएंगे। अभी लोगों की कितनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया, घर बैठे बैठे जो मर्जी कंपनी का सामान घर पे मंगाओ। तो अमेजोन ने आपको ये सुविधा दी, और वो भी मोबाइल के माध्यम से दी। मैं अमेजोन को पता था कि पूरे विश्व के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, जिसका 70% यानी कि लगभग 500 550 करोड़ लोग एक कॉमन काम करते हैं। एक काम ऐसा है जिसको सारे लोग करते हैं, वो काम क्या है? मोबाइल का यूज, इंटरनेट का यूज। और जब अमेजोन ने अपने आप को मोबाइल के ऊपर उतारा और मोबाइल के ऊपर प्रचार प्रसार किया, तो जितनी भी कम्युनिटी मोबाइल के ऊपर थी सारी उनको रातों रात मिल गई। वही सेम काम फेसबुक ने किया, वही सेम काम ओला ने किया, उबर ने किया। ओला उबर ने क्या किया? उन्होंने किया कि भाई लोगों को टैक्सी की जरूरत पड़ती है, तो लोग कई बार टैक्सी वालों को कॉल करते हैं तो वो उल्टे सीधे रेट मांगता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटरनेट के ऊपर प्रचार प्रसार किया, और दोनों तरीके से किया कि टैक्सी वालों को कस्टमर चाहिए हम देंगे, कस्टमर को टैक्सी चाहिए हम देंगे। ओयो ने क्या किया? रितेश अग्रवाल, 28-27 साल का लड़का, अब से 7-8 साल पहले सिम बेचा करता था दुकानों पर जाके। उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि लोग यार रात को किसी अनजान शहर में पहुंचते हैं होटल के लिए, और वहां जाके जब वो होटल मांगते हैं रात को 12 बजे 11 बजे, तो उल्टे सीधे रेट उनके साथ उनके होटल वाले मांगते हैं। तो उन्होंने क्या किया? होटल वालों को बोला तुम्हें कस्टमर चाहिए हम देंगे, कस्टमर को बोला तुम्हें होटल चाहिए हम देंगे। तो आप अभी कहीं भी जा रहे हो, पहले क्या करते हो? आप ओयो पे जाते हो और जाके वहां होटल को बुक कर देते हो, और फिर आराम से रात को पहुंचो, अगले दिन पहुंचो, कभी भी आप पहुंचो। तो ये किसके बदौलत हुआ? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है, और आज हम और आप लक्की हैं कि हम और आप भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का हमें मौका मिला है जो पूरे विश्व में काम कर रही है। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगभग इसके ऊपर 4.5 साल से 1 महीना ऊपर हुआ है, और लाइफ पूरे तरीके से बदल चुकी है। कभी मुझे स्वामी सर ने सिस्टम की जानकारी दी थी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर शुरुआत की, लोगों को इसकी जानकारी देने शुरू की, और इस एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से हजारों लोगों की एक टीम बनी, हजारों मुझे यहां से मेरे हाथ मिले, मेरे काम करने वाले लोग मिले, और हम सब ने मिलकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर। तो साथियों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म की मैं आपको ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ इन सब चीजों के, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं भाई साहब ये तो ऐसा ऐसी चीज आप बता रहे हो ना, ये हाथ में आएगी, ये तो मोबाइल के ऊपर ही है, ये तो हवा में है। मेरे भाई आज पैसा हवा में ही है। आज जो फिजिकल दुकानदार है वो मक्खियां मार रहे हैं, वो परेशान है, वो दुखी है। अभी 4 दिन पहले की न्यूज है, बरेली के अंदर, सॉरी शाहजहानपुर के अंदर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट के सामने जाके कि साहब हमारा धंधा ठप हो गया, हमारी दुकानदारी खत्म होगी। कि भाई क्यों होगी? कि साहब ऑनलाइन लोग, ग्राहक ऑनलाइन जा रहे हैं, हमारा सामान बिकता ही नहीं है। अभी उनको कोई पूछे भाई अपडेट करो अपने आप को, क्योंकि अपडेट नहीं करोगे तो पिछड़ोगे। अभी आज अगर जाके नोकिया फोन वाला रोने लगे गवर्नमेंट के सामने कि साहब मेरा फोन तो बिकता नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई तूने अपडेट क्यों नहीं किया?
जब एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आया तो सबसे पहले वो किसके पास गए होंगे, दुनिया का सबसे लीडिंग मोबाइल कौन सा था, नोकिया, उसके पास गए, भाई हमें ले लो, हम हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करो। उसने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, मैं तो ऐसे ही चलूंगा कीपैड के मोबाइल के साथ। उसने कहा ठीक है, वो जाके सैमसंग वगैरह के पास पहुंच गया, उन्होंने तुरंत उसको ग्रैब किया। आज सैमसंग कहाँ है और नोकिया कहाँ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि हम और आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक सही जगह है, 7 साल से प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, आगे भी आएंगे पीछे भी आए हैं, लेकिन मेन बात यह है कि 7 साल से मार्केट के अंदर है। अभी आप मुझे 7 साल का कोई एक कंपनी का रिकॉर्ड बताओ जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हो और 7 साल से मार्केट के अंदर हो, तो आपको एक भी नहीं मिलेगी। बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं आपको डेली मिलेंगी, सब ये हमारा कॉइन आया है 2% रोज देंगे, लेकिन वो एक बात और कहेंगे कि साहब आज ही शुरू हुई है कंपनी और 3 महीने कहीं नहीं जाएगी, 3 महीने की गारंटी तो हम ले रहे हैं। और आप क्या हिसाब लगाओगे यार, अगर मैं 1 लाख लगा दूं 3 महीने में मेरे 2 लाख हो जाएंगे। और लोग उस चक्कर में ज्यादा आते हैं और उनको पता है कि 3 महीने बाद इसको जाना है, तब भी अपने लोगों को वहां लेके आएंगे। साथियों आज आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, हम एक चीज की गारंटी ले सकते हैं कि हम 7 साल से मार्केट में है और अगले 7 साल भी कहीं जाने वाले नहीं है। क्यों रामनिवास जी, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, और बाजार में हकीकत में आपने सही बोला सर, पोंजी स्कीम इतनी चलती है और जो लीडर बेच रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वो लीडर कैसे अपने आपको वहां ले जाके बोलते होंगे कि सर 6 महीने चल रही है, 3 महीने से चल रही है, और उनको खुद को विश्वास नहीं कि तीसरे दिन चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी विश्वास नहीं। रामनिवास जी प्रॉब्लम क्या है मार्केट का, हर आदमी जल्दी में है, आदमी को रातों रात पैसा कमाना है, उसको रातों रात अमीर बनना है, उसकी फेस वैल्यू चली जाए उसको प्रॉब्लम नहीं है, बाजार उसको बिल्कुल नकार दे उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बार बार ऐसे ही स्कैम में जाके फंसता है। तो हमें लोगों को अवेयर करना है, जो कम्युनिटी हमारे साथ है उसको बोलना है कि भाई अपना एग्जाम्पल दो वहां कि मुझे यहाँ 2 साल हुए हैं, 2 साल में मेरा अचीवमेंट देखो। और साथियों मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, आज आप किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, वेस्टीज हो, हर्बल लाइफ हो, मोदी केयर हो, एमबे हो, सर उसमें जो लोग अचीवर हैं, जिनका एग्जाम्पल देके लोग नेटवर्किंग में आते हैं, सर क्या वो अचीवर हर 6 महीने बाद कंपनी बदल के हैं या एक ही कंपनी में अगले 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत करके हैं? वो एक ही कंपनी के अंदर 10 साल 15 साल 20 साल टिके रहे, खड़े रहे, मेहनत किया, चैलेंजेस को फेस किया, उसके बाद वो अचीवर बने। और ये दुनिया का रूल है, हर एक फील्ड का रूल है ये। आप अपने किसी भी फील्ड के अंदर 10-20 साल अपनी जिंदगी के लगाते हो, चैलेंजेस को झेलते हो, तब आप जाके आपका वहां नाम बनता है, आप एक ब्रांड बनते हो। और जिस दिन आप ब्रांड बनते हो तब आपकी असली कमाई शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब आदमी ब्रांड बन जाता है, आज रामदेव ब्रांड है, वो अगर वो पन्नी में मिट्टी भर के भी बेचे ना तो वो भी बिकेगी उनकी, रामनिवास जी उसको भी खरीदेंगे लोग लाइन में लग के, क्योंकि उन्होंने 20-30 साल मेहनत करके अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है। तो मेरी आप सब से भी रिक्वेस्ट है, आज आप यहाँ 4 साल 5 साल 6 साल से हैं, आपकी धीरे धीरे ब्रांडिंग हो रही है, टिके रहिए, बहुत बड़ा काम होगा। कैशबैक कितना जबरदस्त है, और आज हम लोगों की टॉप लीडर्स की एलेक्सर के साथ लगभग 2.5 घंटे मीटिंग चली है, कल दोबारा से भी वो कुछ हमें देंगे और एक बहुत बड़ी प्लानिंग वो कर रहे हैं। सब लोग बहुत यहाँ से, उन्होंने बोला है ना कि जो अब तक कमाया है वो ऐसे समझो जैसे आपने खाना खाने के बाद किसी वेटर को टिप दिया हो, आपको वेटर नहीं बोल रहे हैं कि आपने किसी को टिप दिया हो। और सोचो कि जब वो इसको टिप बना रहे हैं तो आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा। आज ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जो आदमी शिद्दत से यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहा है, क्या वो घाटे में है, क्या वो परेशान है? नहीं है। रही बात कस्टमर की, उन्होंने आज भी बोला कि मेरा एक कस्टमर भी कल को ये नहीं कहेगा मैं लॉस में, लेकिन मुझे टाइम, अगर मैं बोल रहा हूं स्वैपिंग करो तो स्वैपिंग कर दो और बैठ जाओ उसके बाद। और क्लियर बोला है कि अभी वॉलेट आने दो, जब हजारों लाखों लोग वॉलेट्स को डाउनलोड करेंगे और उसको डाउनलोड करने के बाद जब उसके ऊपर फीस के रूप में हमारा क्या कहते हैं स्मार्ट कॉइन की जरूरत पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को उसके ऊपर स्मार्ट कॉइन रखने पड़ेंगे। अभी सोचो अगर कल को 10 लाख लोग उसको डाउनलोड करते हैं रामनिवास जी, और हर एक व्यक्ति केवल 100 स्मार्ट उसके ऊपर स्टैक करता है,
क्योंकि वहां पे ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप वहां पे 100 कॉइन को स्टैक करते हो तो वहां पे आपकी हर ट्रांजेक्शन फिर कोई फीस नहीं लगेगी। जैसा आज अभी हम ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं या हम ट्रॉन लिंक प्रो को यूज करते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है ना एनर्जी और बैंडविड्थ का, जिसके ऊपर आप अगर 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 $100 के ट्रॉन अगर वहां स्टैक कर देते हो तो फिर वो आपसे फीस नहीं लेता है। तो ऐसे जब लाखों वॉलेट के ऊपर 100-100 कॉइन स्टैक होंगे तो कितनी बड़ी संख्या में वहां पे हमारा स्मार्ट कॉइन स्टैक हो जाएगा, और जब स्मार्ट कॉइन वहां स्टैक होगा तो उसकी मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो रेट कहां जाएगा। और उन्होंने क्लियर बोला है कि भाई मैं 7 साल से आपके साथ हूं, आगे भी मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूं, मेरे साथ रहो, मेरे विजन पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा, और अपना जो काम है आपका वो बखूबी करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपका काम है कम्युनिटी बिल्ड करना। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से डेली 2-4-10 लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करे, परवाह नहीं करना कौन सुन रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी एक चीज बताओ, चुनाव आते हैं, हर एक नेता गली गली जाता है, हाथ जोड़ के बोलता है भाई मुझे वोट देना, बोलता है कि नहीं बोलता है, जबकि उसको पता है सब नहीं देंगे, लेकिन उसको अपना काम क्या है, उसका अपना काम है हर एक व्यक्ति के पास जाके वोट के लिए आग्रह कर। ऐसे ही हमारा आपका काम है, जो भी हमारे नियर डियर हैं उनको इस प्लेटफॉर्म की जानकारी देना, कौन करेगा कौन नहीं करेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना है। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बंदे तू ईमानदारी से अपना कर्म कर, और जब तू कर्म ईमानदारी से करेगा तो फल भी तो भगवान अच्छा ही देंगे ना। और जब हम बिना लालच के लोगों के पास जाएंगे, देखो सर दो भावनाएं हैं, एक तो मैं ये सोच के जाऊं कि भाई राम निवास जी मेरे साथ जुड़ जाएं तो मुझे 1,000-2,000-5,000 का बोनस आएगा, और एक मेरे एक अंदर ये भावना हो कि अगर राम निवास जी मेरे साथ जुड़ गए और उन्होंने सिस्टम के ऊपर मेरे तरीके से मेहनत की तो राम निवास जी की जिंदगी के सारे दुखड़े दूर हो सकते हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अब मेरा भाव हो गया राम निवास जी के लिए कुछ करने का, और जब आप किसी के लिए कुछ करने का भाव लेके जाते हो तो रिजल्ट बड़ा ही आता है, जब आप लालची बन के जाओगे तो रिजल्ट खराब होने के चांस भी है, आप झूठ भी बोल सकते हैं वहां जाकर। तो हर एक व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करे, आपके साथ जो भी व्यक्ति आ रहा है आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि कल को जब ये डायमंड बनेगा इसके घर में करोड़ों रुपए जाएंगे तो इसकी बहुत सारी तकलीफें दूर होंगी, इसके और इसके फैमिली के बहुत सारे सपने पूरे होंगे। और जब ये भाव हमारे अंदर होगा ना तो हम कभी थकेंगे ना कभी रुकेंगे ना हम कभी नेगेटिव होंगे। अभी बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे कि सर हमारा तो अप्लाई नहीं नेगेटिव है, हमें बोल रहा है भाई कुछ नहीं रखा यहाँ। अब बताइए भाई साहब, मतलब एक बंदे की टीम पॉजिटिव है और वो बंदा नेगेटिव है। अभी आप मुझे एक बार बताओ, क्या नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी का कोई इंजेक्शन आता है बाहर से कि भाई मैं एक इंजेक्शन लाऊं अपने भी लगा दूं टीम के भी लगा दूं? नहीं सर, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कुछ नहीं है, ये हमारे मन का एक विचार है। हमारे मन में आ गया कि मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अचीवर बन सकता हूं तो बन जाओगे, और आपके मन में आ गया नहीं भाई ये सिस्टम बेकार है और मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें तो दुनिया भर की कमियां हैं। साथियों वास्तव में कमियां प्लेटफॉर्म में नहीं है, कमियां आपके अंदर है। तो हम लोगों को साथियों यहाँ बहुत शिद्दत से टिक के मेहनत करनी है। आप लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग कि हमें एक एलेक्स जैसा विजनरी आदमी मिला जो 7 साल से मार्केट के अंदर है। लक्की हैं हम लोग कि हमें स्वामी जी यस सर जैसे अपलाइन मिले। लक्की हैं हम लोग कि हमें यहाँ राम निवास भाई जैसे, अंकुश वीर जी जैसे, आकाश भाई जैसे, अजीम भाई जैसे, हिमांशु भाई जैसे, ज्योति जी जैसे, इतने सारे हमें यहाँ वर्किंग फेस मिले जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया, उनके उनके लिए भी मेरे मन के अंदर सेम भाव है। तो मैं तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ, दिन रात भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हे प्रभु मुझे कितना अच्छा काम दिया, कितनी अच्छी मुझे टीम दी, कितने अच्छे मुझे अपलाइन दिए, कितना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और जब आपके अंदर ये शुक्रिया करने का भाव होता है ना साथियों, फिर आप कभी नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव आदमी होता ही तब है जब वो ना किसी का शुक्रिया अदा करता, सबके अंदर उसको कमियां दिखती हैं, ये प्लेटफॉर्म भी बेकार है, अपलाइन भी बेकार है, मेरी टीम भी बेकार है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाई सच्चाई तो ये है कि तुम बेकार हो, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर ये प्लेटफॉर्म बेकार होता ना तो यहाँ रामनिवास जी बैठे हुए ना होते, यहाँ हिमांशु भाई ना होते, विक्रांत भाई ना होते, यहाँ ये तमाम लीडर्स ना होते यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म जी उनको सोए सोए आना चाहिए था कि भाई एक बार टीम बना दी अब मैं सो जाता हूँ, मुझे तो 1,00,000 रुपए आना चाहिए। अभी एलेक्स सर बोल रहे थे ना कि भाई लोग तो इस
ये जो मैंने प्रोडक्ट दिया है 100% यूज का है, किसी भी घर में चले जाओ आप, मुझे एक घर की जरूरत बता दो। अभी हम किसी घर में फार्म को लेके जाएं, हो सकता है फार्म की जरूरत ना हो, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा कौन सा घर है जिसके अंदर रसोई का खर्चा ना होता हो, उसके उसके पेट्रोल गाड़ी का खर्चा ना होता हो, उसके बच्चों की फीस ना जाती हो, उसकी दवा का खर्चा ना हो, उसका उसका मकान का भाड़ा ना हो, इनमें से कोई ना कोई खर्चा सब घर के अंदर है कि नहीं है? तो उन्होंने बोल तो दिया, भाई तुम अपनी रसोई का सामान अपनी दुकान से खरीद ले, उसी से तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, उसमें तुझे 20% डिस्काउंट और 100% तक कैशबैक, और क्या चाहिए? अभी वो बोल रहे हैं कि साहब अभी तो इसके बाद, अगर इसके बाद भी लोग खुश नहीं है तो बस मुझे एक काम करना चाहिए कि भाई सब कुछ फ्री और 100% कैशबैक भी, तो ये तो संभव नहीं है ना। तो साथियों मैं तो इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि हम सब एक ऐसी गाइडेंस में काम कर रहे हैं जहां हम सबका भविष्य बहुत सुरक्षित है, चाहे हम कस्टमर हैं और चाहे हम यहाँ पे नेटवर्कर हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये है, अब यहाँ कोई नेटवर्कर वाली बात ही नहीं है, हर कस्टमर यहाँ, अभी मान लिया रामनिवास जी के घर का राशन यहाँ से फ्री हो जाता है, तो रामनिवास जी आप ये भी चाहोगे आपके पड़ोसी का भी हो जाए, वो पड़ोसी भी चाहेगा दूसरे का भी हो जाए, और जब आप सबके लिए काम करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको बताने का भी मिलता है, और वो इतना बड़ा मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है सर, अभी इसका स्वाद अगर लेना है तो हमारे बीच में आना पड़ेगा ना, अभी तो पता लगेगा रामनिवास जी इतने इतने ऊर्जा में क्यों रहते हैं, इतने खुश क्यों रहते हैं वो, क्योंकि वो सिस्टम को, सिर्फ सिस्टम को अगर सीख जाए ना तो उसकी दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। देखो रामनिवास जी एक चीज ध्यान रखना, और ये मेरी सभी लीडर्स के साथ मैं सभी को कहना चाहता हूँ, हमारा आपका काम है बताना, क्योंकि अगर हम भी ये सोचने लगे यार कोई सुन तो रहा ही नहीं, तो फिर तो हम भी गलत दिशा में चले गए। हमारा आपका काम है बताना, सामने वाले का काम है सुनना या ना सुनना, लेकिन जब हम बताएंगे 10 लोगों को तो सर उसमें से कुछ को समझ जरूर आएगा। तो हम, मुझे इतना पता है हर व्यक्ति को ईमानदारी से अपना काम करना है, और वो काम है हमारा बताने का। आप ईमानदारी से लोगों को बताते चले जाओ, कुछ लोग लेंगे प्रोडक्ट को आपके, नहीं लेंगे। अभी देखिए हमारे अजीम भाई पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं, अजीम भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आपको और आपकी पूरी टीम को, और मैं आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं। अभी साथियों अब आप सोच के देखो, आज मुझे पता है मार्केट के अंदर मेहनत ज्यादा और ये रिजल्ट कम है, लेकिन आज जो आज टिका रहेगा कल का अचीवर भी वही बनेगा। आज ये काम नहीं हो रहा है, मैं अजीम जी को कल भी कह रहा था, अजीम भाई ये काम नहीं हो रहा, आज ये तपस्या हो रही है, और तपस्या जिसने भी की है ना उसको ईश्वर ने वरदान जरूर दिए हैं, तो आज ये हमारा भी तप है, तो आने वाले टाइम में वरदान के रूप में हमें पता नहीं ईश्वर क्या क्या देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी, सुबह मिलते हैं 8:30 बजे, और मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी पूरी टीम को लेकर आप मीटिंग में आया कीजिए। थैंक यू सर, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया, लेकिन इतना जबरदस्त मैसेज दिया कि शायद दिमाग के जितने स्क्रू वो ढीले थे ना वो टाइट हो गए। कारण क्या है कि हमारे बीच में हम दूसरों की इधर उधर की सुनते हैं तो हमारा ढीला स्क्रू रहता, वो माइंड में कचरा घुस जाता। तो सर आपने बिल्कुल वॉश कर दिया इस सिस्टम के बारे में बता के इतनी सादगी के साथ में, और यही कारण है सर हम आपको डेली सुनते हैं और डेली आपके जितने शब्द बोले गए उनको उनसे हम सीखते हैं और वही हम फील्ड में लेके जाते हैं, और हम इसी वजह से आज इस रैंक के ऊपर है और दिन रात काम करें। तो मिलते हैं मॉर्निंग में दोस्तों, सुबह 8:30 बजे